उसके बाद स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज का मतलब होता है कि पोस्टल एंड स्टेशनरी चार्ज, जो कि इस पेपर में लिखा हुआ है, गुजरात विधानसभा से हमने, ये गुजरात विधानसभा का जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, उसमें लिखा हुआ है पर मंथ पर विधायक 5,000 रुपये, यानी कि केवल एक महीने का 9,10,000 रुपये। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं नरेश खटवी हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि राजा और प्रजा में बहुत अंतर होता था, लेकिन जब देश लोकतंत्र बन जाए, देश में लोकशाही आ जाए, तब क्या राजा और क्या प्रजा, सबके लिए समान कानून, सबके लिए देश में समान व्यवस्था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इस देश का किसान जितना एक महीने में कमाता है, उतना खर्च इस देश के विधायक पे एक दिन का किया जाता है, और वो सारे पैसे जनता के होते हैं। आज जिस मुद्दे पे मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, दरअसल वो मुद्दा जुड़ा हुआ है किसान और विधायक के खर्च पे, कि एक विधायक पे कितना खर्च होता है सरकारी पैसा। मेरे पास गुजरात विधानसभा का निकाला हुआ एक पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मसलन ये कि गुजरात विधानसभा अपने विधायक को किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराती है, और शुरुआत यहाँ से ही करनी चाहिए कि पहली बात तो उन विधायकों को सैलरी कितनी मिलती है। जो विधायक जीत के आए हैं, यानी कि विधानसभा में 182 विधायक हैं जो जीत के आए हैं, उनको सैलरी मिलती है 1,16,000। इस लिस्ट में सबसे ऊपर तेलंगाना है जिसको सैलरी मिलती है 2,50,000 रुपये। तेलंगाना के विधायक को 2,50,000 रुपये सैलरी मिलती है। उसके बाद लगातार थोड़ा थोड़ा दिल्ली में 2,10,000, उत्तर प्रदेश 1,87,000, महाराष्ट्र 1,70,000, जम्मू कश्मीर 1,60,000, उत्तराखंड 1,60,000, आंध्र प्रदेश 1,30,000, हिमाचल प्रदेश 1,25,000, राजस्थान 1,25,000, गोवा 1,17,000, गुजरात 1,16,000, हरियाणा 1,15,000। मसलन ये लिस्ट पूरी 1,50,000 के पास में है, लेकिन सबसे कम सैलरी वहाँ देखेंगे अगर तो त्रिपुरा के विधायक को केवल 34,000, नागालैंड 36,000, मणिपुर 37,000, असम 42,000, मिजोरम 46,000। ये पूरी व्यवस्था है एक विधायक को मिलने वाली सैलरी पर। क्योंकि आज बात गुजरात की करनी है, और गुजरात में बात खास इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में गुजरात में आंदोलन चल रहे हैं बेरोजगार लोगों के। बेरोजगार लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान 3 बिल का विरोध कर रहे हैं। शायद आपने कल भी टीवी में देखा होगा, जगह जगह जाम लगा के किसान ने अपना प्रदर्शन किया है। सबसे पहले जानिए गुजरात के विधायक को मिलने वाली सुविधा के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी कि जितना किसान कमाता है उससे कई ज़्यादा खर्च तो केवल फ़ोन पे ही कर दिया जाता है। गुजरात के जो विधायक है उनका फ़ोन का जब कुल आंकड़ा निकला गया कि उनके फ़ोन बिल्स में कितने पैसे लगाए दिए जाते हैं, कितना पैसा मिलता है उनको, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, 5 साल में 7,64,40,000 रुपये केवल फोन बिल्स के दिए जाते हैं। इस दौर में जब किसान गुजरात में किसान की आय मुश्किल से एक महीने में 7,000 रुपये है, और वहाँ सभी विधायकों को फोन का 5 साल का 7,64,40,000। अब उसको अगर आप समझेंगे कि एक साल में सभी विधायकों को कितना मिलता है, तो 1,52,88,000। और अगर एक विधायक को एक महीने का 7,000 रुपया फ़ोन का चार्ज मिलता है, फ़ोन का रिचार्ज का मिलता है केवल 7,000 रुपया एक महीने का एक विधायक को। ये आंकड़ा जोड़ते जाइएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि जो लोग आपकी नुमाइंदी करते हैं, आपके लिए संसद में बैठते हैं, उनको हम हमारा पैसा कितना देते हैं। उसके बाद स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज का मतलब होता है कि पोस्टल एंड स्टेशनरी चार्ज, जो कि इस पेपर में लिखा हुआ है गुजरात विधानसभा से हमने, ये गुजरात विधानसभा का जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, उसमें लिखा हुआ है पर मंथ पर विधायक 5,000 रुपये, यानी कि केवल एक महीने का 9,10,000 रुपये आपने ऐसे ही स्वाह कर दिए। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, केवल एक साल का गुजरात विधायक पे स्टेशनरी चार्ज 1,09,20,000 रुपये केवल एक साल का। अगर 5 साल का आप पकड़ेंगे तो 5 साल का स्टेशनरी चार्ज 5,46,00,000 रुपये। ये वही गुजरात है जिस गुजरात के बनासकांठा में कुपोषण के सबसे ज़्यादा मामले हैं। ये वही गुजरात है जिस गुजरात की आय किसानों की आय
विधायक के एक दिन का खर्च और किसान के एक महीने की आय के बराबर है। लेकिन इससे आगे भी और भी है कुछ चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। अब आते हैं डेली चार्ज पे, यानी कि डेली अनाउंसेंस के तौर पे सरकार इनको 1,000 रुपया देती है एक विधायक को। 182 विधायक हैं, इसलिए एक विधायक को एक महीने का 30,000 मिलता है, 182 विधायक को एक महीने का 5,46,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ डेली अनाउंसेंस के मिलते हैं। उसके बाद एक साल का खर्च जोड़ेंगे तो हो गया कुछ 6,55,20,000, और 5 साल का खर्च जोड़ोगे तो 32,76,00,000 रुपये केवल डेली अनाउंसेंस के नाम पे दिए जाते हैं, जिसको आपको हिसाब देना ही नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। उसके बाद जरा एक बड़ा आंकड़ा भी देख लीजिए कि सैलरी के तौर पे गुजरात के विधायक को 1,16,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। उसमें 182 विधायकों का जोड़ेंगे तो 2,11,12,000 एक महीने का। चाहे काम करो या चाहे काम मत कीजिए, पैसे आ रहे हैं, पगार फुल मिल रही है आपको। 12 महीने का सभी विधायकों के पैसे सिर्फ एक साल का मैं बता रहा हूँ 25,33,44,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक साल का पगार है गुजरात के विधायकों का, जो कि सैलरी की फहरिस्त में 10वें नंबर पे है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, 5 साल का केवल सैलरी 126,66,72,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ सैलरी। ये सारे पैसे जब हमने जोड़े तो जो आंकड़ा आया वो बहुत ही भयानक था, क्योंकि ऐसे दौर में जिंदगियां चल रही हैं जहां लोग भूख से मर रहे हैं। गुजरात हो या राजस्थान हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, मैं किसी का भी इसमें वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक विधायक गुजरात का एवरेज, जब ये पैसे निकाले गए उसमें सारे पैसे जोड़े भी गए कि इनके जो खर्च होता है, आपको जान के हैरानी होगी, एक साल का सिर्फ और सिर्फ एक साल का 21,36,000 रुपये एक साल का, एक महीने का 1,78,000 रुपये, एक दिन का 5,933 रुपये सिर्फ इनको मिलता है सैलरी, ये खर्च, ये सब करके। और आपको जान के ये भी ताज्जुब होगा कि गुजरात में किसान की आय एक दिन की केवल 264 रुपया है, जो मुश्किल से अपना पेट पाल रहा है, मतलब जिंदगी ऐसे जी रहा है जैसे जीने के लिए ही जी रहा है, वहां ये हालत है। और इसीलिए कुछ और आंकड़े हैं जो मैं आपको सामने भी पेश करूंगा, क्योंकि गुजरात को माना यह जाता है कि गुजरात बहुत रईस राज्य है, इसीलिए गुजरात की आज बात की है ताकि आपको भी पता चले कि जो राज्य सबसे रईस है उसकी हालत क्या है। सैलरी की फहरिस्त में तो वो 10वें नंबर पे है, सबसे नंबर 1 पे तेलंगाना है। लेकिन क्योंकि गुजरात की बात कर रहे हैं तो एक और जान लीजिए, कृषि आंकड़ों के अनुसार 40,00,000 किसान परिवार वार्षिक आय 1,00,000 से कम है। आप सोच सकते हैं, जिस राज्य की टोटल पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है, वहाँ की 40,00,000 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। मतलब अगर एक परिवार में 5 लोग एवरेज दे दिए जाएं, तो 1,20,00,000 लोग गरीब हैं। 20% पब्लिक गरीब है गुजरात में, सरकारी आंकड़ा है, हमने तो कहीं से इसको लिखा नहीं है। एक और आंकड़ा है कि गुजरात में 85% किसान लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। थोड़ा और भी है, गुजरात में 43% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। ये सभी आंकड़े दोस्तों सरकारी हैं, मैंने किसी वीडियो बना के किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है हमारी, लेकिन क्योंकि ये सुविधाएं सब मिलती हैं इसलिए बताना पड़ेगा कि देखिए ये भी सुविधाएं मिलती हैं इस देश में। जब करोड़ों खर्च करके कोई विधायक बनता है, जब करोड़ों खर्च करके कोई सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको जो सैलरी मिलती है वो हमसे ही मिलती है। क्योंकि अगर मैं ये मार्केट से मार्कर भी खरीदता हूँ तो इस पर एक टैक्स लगता है, और वो टैक्स हमारे थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट फिर वही पैसा सर्कुलेट करके देश चलाती है। चाहे फिर इनको सैलरी देनी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको सैलरी देनी हो, जो भी काम हो रहा है वो जनता के पैसों से ही हो रहा है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे सेवक हैं। लेकिन सेवक की इतनी रईसी इस दौर में, जहां भारत में मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि राज्य में फिलहाल, एक और आंकड़ा है गुजरात का, राज्य में फिलहाल 31,46,00,000 परिवार गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि BPL जीवन में यापन कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे 32,00,000। ये भी आंकड़ा शायद गुजरात सरकार का है, 32,00,000 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं।
सरकारी आंकड़ा इसमें 40 लाख, मतलब एक चीज समझ लीजिए आप कि गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में भी 40 लाख परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उसके बाद कुछ और आंकड़े हैं, जैसे कि बनासकांठा जिले में सबसे ज़्यादा 2.36 लाख परिवार गरीब हैं। उसके बाद दाहोद जिले में 2.25 लाख, अहमदाबाद जिले में 1.44 लाख, खेड़ा में 1.56 लाख, पंचमहल में 1.27 लाख। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो पैसा विधायक जी को मिलता है वो पैसा सिर्फ हमारा है, तो क्यों ना। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये सैलरी हाल में बढ़ाई गई है। 2018 में गुजरात के विधायकों की सैलरी केवल 76,000 रुपये थी, 76,000 से 1,16,000 रुपये आ गए। किसी ने विरोध भी नहीं किया इस चीज़ का, चाहे अपोजिशन हो या फिर चाहे जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग हो। फिलहाल आशा करूँगा आपको समझ आ गया होगा जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। हमने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। जो जानकारियाँ ज़रूरी है, जो जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी है, वही बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी को मेरा वंदन है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।